भोजपुरी का सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो दूसरी है भोजपुरी की सुपर स्टाइलिस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस काजल राघवानी। एक की भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पड़ती है तो दूसरे की गिने चुने दोस्ती है, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ये दोनों कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते। लेकिन इस बार एक कंट्रोवर्सी के कीड़े ने इन्हें भी काट लिया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो कहानी जो आज हम आपको इनके बारे में सुनाने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस तरह आपको पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं, जिस खबर पर किसी की नजर नहीं गई, किसी ने उसके बारे में कुछ कहा नहीं, वो हम आपको आज कहेंगे और बताएंगे। तो चलिए सुनिए हमारी चटपटी सी गॉसिप। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले काजल राघवानी और दिनेश लाल यादव की एक फिल्म अनाउंस हुई थी, बलम जी आई लव यू, जिसकी फोटो हमारे स्क्रीन पर चल रही है। लेकिन अब उस फिल्म में दिनेश लाल यादव की जगह खेसारी लाल यादव नजर आएंगे। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि दिनेश अपने बिजी शेड्यूल के कारण इस फिल्म को टाइम नहीं दे पा रहे थे, और दूसरी वजह बताई जा रही थी कि जितनी रकम तय की गई थी दिनेश को इस फिल्म में देने के लिए, उतनी रकम प्रोड्यूसर इस फिल्म के लिए दिनेश को नहीं दे पा रहे थे, इसलिए दिनेश लाल यादव ने किनारा करना ही इस फिल्म से बेहतर समझा। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की अंदर की खबरें की माने तो काजल राघवानी के साथ फिल्म ही नहीं करना चाहते दिनेश लाल यादव निरहुआ। इसके पीछे वजह काजल राघवानी और आम्रपाली की दुश्मनी की बताई जा रही है। ऐसे ही कुछ महीने पहले एक और फिल्म लल्लू की लैला अनाउंस हुई थी, जिसमें दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी मुख्य भूमिका में दिखने वाले थे, लेकिन अब इस फिल्म से काजल राघवानी का पत्ता साफ कर दिया गया है। अब इस फिल्म में काजल राघवानी नजर नहीं आएंगी। इसके पीछे भी वजह आम्रपाली और काजल राघवानी को एक दूसरे को नापसंद करना ही बताया जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कहीं आम्रपाली की वजह से तो कहीं काजल राघवानी की वजह से, दोनों तरफ से लॉस निरहुआ का ही हो रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।